नमस्कार दोस्तों, 30 साल बाद शनि ग्रह कुंभ राशि में आ रहे हैं और ऐसे में किन राशि वालों को हो सकती है धन और स्वास्थ्य की हानि, इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को बतलाऊंगी। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर मुक्ता दीक्षित, जन्म कुंडली हस्तरेखा रत्न वास्तु के साथ साथ शेयर मार्केट के एस्ट्रोलॉजी के लिए आप हमारे कार्यालय के नंबर में संपर्क कर सकते हैं। सबसे पहले तो शनि देव जो है 17 जनवरी 2023 को कुंभ राशि में प्रवेश कर रहे हैं। कुंभ में शनि बकरी अवस्था में गोचर करेंगे, इससे धन और शारीरिक स्वास्थ्य संबंधी कुछ परेशानियां बन सकती हैं। इसके अलावा हम देखेंगे पंचांग के मुताबिक वर्ष 2023 में शनि जो हैं कुंभ राशि में आएंगे। इनके प्रभाव से कुंभ राशि जो है शनि की स्वराशि कहलाती है और शनि ग्रह जो रहते हैं 2.5 साल में अपनी राशि बदलते हैं और यह अपनी समस्त राशियों का चक्र जो रहता है 30 वर्ष का इनको समय लगता है पार करते हुए। और ज्योतिष के अनुसार शनि ग्रह जो हैं धीमी गति से चलने वाले ग्रह कहे गए हैं। यह एक क्रूर ग्रह हैं और इनकी दृष्टि के कारण भयंकर परेशानियां उपस्थित हो जाती हैं, जिनका कि कोई चोर व्यक्ति को दिखाई नहीं पड़ता है। ऐसी स्थिति में शनि ग्रह किन राशियों के लिए अढ़ैया और 7.5 का असर करने वाले हैं और हमें 7.5 के दौरान क्या उपाय करना चाहिए, यह भी आप लोगों को बतलाऊंगी। चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बेल आइकन अवश्य दबाइए। अब हम देखेंगे कि जब शनि कुंभ राशि में प्रवेश कर रहे हैं तो इनके प्रभाव से जो है कुंभ, मकर और मीन राशियों पर शनि की 7.5 का असर रहेगा, कर्क और वृश्चिक राशि पर ढैया का प्रभाव रहेगा। तो जी हाँ दोस्तों, जब जीवन में 7.5 और ढैया का प्रभाव आ जाता है तो ऐसे में सबसे पहले धन की हानि होने लगती है, शारीरिक स्वास्थ्य खराब होने लगता है, परेशानियां शारीरिक मानसिक आर्थिक पीड़ाएं बढ़ जाती हैं, कष्ट होने लगता है, घर परिवार में वाद विवाद और सुख की कमी होने लगती है, धन हानि होने लगती है, नौकरी कार्य व्यापार में नुकसान होने लगता है, नौकरियां छूट जाती हैं, पदोन्नति होते होते रुक जाती है और व्यापार में नुकसान उठाना पड़ता है, हर किसी क्षेत्र में मुनाफा कम होने लगता है, आय कम होने लगती है और व्यक्ति चारों तरफ से परेशानियों से घिर जाता है। इस प्रकार से ये 7.5 का प्रभाव रहता है। तो इससे बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए, क्योंकि शनि ग्रह जो रहते हैं कर्म फलदाता कहे गए हैं और जो व्यक्ति जैसा कर्म करता है उसको वैसा ही फल भोगना पड़ता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो शनिवार के दिन यदि हम खुश रहना चाहते हैं तो हमें ज़रूर शनि देवता की जो है उपाय जरूर करना चाहिए। ऐसी स्थिति में जो है शनि देव को प्रसन्न करने के लिए आप जो है पीपल की पेड़ की पूजा शनिवार के दिन जरूर करें। इसके साथ जो है आप काली वस्तुओं का दान करें, गरीबों को जो है काले वस्त्र कंबल, जरूरतमंद लोगों को दान करें। ऐसा करने से जो है शनिदेव प्रसन्न होते हैं। और लोहे आदि की वस्तुओं का दान करना चाहिए, तेल का दान करना चाहिए। कहा जाता है शनि पर जितना अधिक तेल चढ़ाया जाता है शनि ग्रह उतने अधिक प्रसन्न होते हैं। इसके पीछे भी एक कहानी है कि जब शनि महाराज जो है हनुमान जी के ऊपर 7.5 का प्रभाव दिखाने के लिए गए तो हनुमान जी ने कहा कि जिसके हृदय में राम रहते हैं उस पे 7.5 का कोई प्रभाव नहीं होता है। शनि देवता ने कहा ऐसा नहीं होगा, आप पर इसका प्रभाव जरूर होगा।
तो जैसे ही शनि देव ने जो है अपनी कला दिखलाई और हनुमान जी के सिर पर जाकर बैठ गए, क्योंकि जब साढ़े साथी चलती है तो पहले सिर पर आती है, फिर हृदय पर आती है, और उसके बाद फिर पैरों से उतरकर चली जाती है। तो इस प्रकार से इसका क्रम बना है, या ढाई ढाई वर्ष चलती है। तो जैसे ही सिर पर हनुमान जी के साथी शनि का प्रभाव हुआ, हनुमान जी राम भगवान का ध्यान करते रहे, और हनुमान जी ने अपने सिर पर जो है बड़े बड़े पत्थर उठाकर अपनी पूंछ से उठा कर के रख लिए। ऐसा करता देख शनि देव जो हैं दबने लगे, शनि देव की पीठ कमर टूटने लगी, दुखने लगी। उन्होंने कहा, प्रभु आप यह क्या कर रहे हैं, इससे तो मैं ही मर जाऊंगा। तो भगवान हनुमंत लाल ने कहा कि यदि आप मुझे सारे साथी से मुक्त नहीं करेंगे तो मैं कुछ नहीं कर सकता। आखिरकार शनि देवता जब बहुत अधिक परेशान हो गए, पत्थरों के बोझ से दब गए, तब उन्होंने जो है हनुमान जी ने शनि देवता को छोड़ दिया। और जब शनि देवता के शरीरों पर चोट लग गई तो शनि देवता ने हनुमान जी से तेल मांगा था। तब हनुमान जी ने कहा था कि जो भी शनिवार के दिन आपके ऊपर तेल और तिल का दान करेगा, चढ़ाएगा, उसको साढ़े साथी का बुरा असर नहीं आएगा। और इसके साथ जो भी राम जी की सेवा करेगा, हनुमान जी की सेवा करेगा, साढ़े साथी उससे कोसों दूर रहेगी, उसका बुरा फल उसके समीप नहीं आएगा। तो जी हाँ दोस्तों, यह थी कहानी कि शनि को तिल और तेल क्यों चढ़ाते हैं, जो मैंने आप लोगों को बतलाई है। तो इस प्रकार से आप जरूर तिल और तेल शनिदेव के मंदिर में जाकर अर्पित करें। इसके साथ सात प्रकार के अनाज हमें दान करना चाहिए। तो ये छोटी छोटी चीज़ें करने से शनिदेव प्रसन्न होते हैं और आपके कष्ट अरिष्ट दूर करते हैं। वीडियो अच्छी लगी लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।